हम बनाएंगे गुजरात के फेमस नायलॉन खमण। तो खमण बनाने के लिए हमें 150 ग्राम बेसन चाहिए। कप से नापे तो 2 कप बेसन है, तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे जालीदार खमण बनाने के लिए बेसन को हमेशा छान के लेना जरूरी है। तो ये बड़े वाले जो लम्स है वो निकाल देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक सूजी डालेंगे। सूजी हमें बारीक वाली ही लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी है, क्योंकि सूजी 2 प्रकार की आती है। स्वादानुसार नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर हमें बहुत कम डालना है, तो मैंने यहाँ पे 2 चुटकी हल्दी ली है। 1 नींबू का रस डालेंगे। 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तो सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और खमण का घोल तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे खमण का घोल तैयार है। खमण बनाने के लिए हमें ऐसा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल चाहिए। देखिए बिल्कुल एकदम स्मूथ है ये। हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डालें, इससे पहले हम खमण बनाने का स्टीमर तैयार कर लेंगे। तो एक बर्तन में हम पानी गर्म कर लेंगे। तकरीबन 1/4 हिस्से तक हम पानी भरेंगे और इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे। तो ये जब तक गर्म हो जाए तब तक हम घोल में इनो डाल के तैयार कर लेते हैं। अब हम जिसमें खमण बनाना है उस बर्तन को ग्रीस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे खमण बनाने के लिए एक पतीला लिया है, तो इसमें थोड़ा सा तेल डालकर हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप केक मोल्ड में भी खमण बना सकते हैं। तेल डालकर हम इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। तो बर्तन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारा बेटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, तो वो हम इसमें डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। और ये देखिए बेटर हमारा कितना फूल के डबल हो गया है। कुछ सेकंड इस तरह मिलाकर हम इसे डायरेक्ट ये ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देंगे। हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनो डालकर हमें तुरंत ये बर्तन को स्टीमर में रखना होता है। इसे इवन कर लेंगे और इसे स्टीमर में रख देंगे। तो ये देखिए पानी एकदम गर्म हो गया है। अब हम ये टोकला के बर्तन को रख देंगे और ढक्कन ढक के हमें इसे 15 मिनट तक मीडियम हीट पे कुक करना है। इसके बाद हम खमण चेक कर लेंगे। जब तक हमारे खमण स्टीम हो रहे तब तक हम चीनी का पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है और इसमें हम तकरीबन 1/2 कप जितना पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 15 मिनट हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और हमारे खमण चेक करेंगे। तो ये भाप को हम थोड़ी निकलने देंगे, इसके बाद हम चप्पू डालकर खमण चेक करेंगे। तो देखिए चप्पू एकदम क्लीन बाहर निकला है, मतलब हमारे खमण अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम ये खमण पर ये जो चीनी का पानी तैयार किया है वो हम धीरे धीरे डालेंगे। तो अब हम खमण में कट लगा लेंगे। अब हम इसमें फिर से चीनी का पानी थोड़ा डाल देंगे ताकि ये एब्जॉर्ब करता रहे खमण, और तब तक हम तड़का लगा लेंगे। तो खमण में तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए थोड़े करी पत्ते, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 चम्मच सरसों, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा कटा हुआ धनिया। तो अब हम खमण का तड़का तैयार कर लेते हैं। पहले तेल गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, करी पत्ते डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे,
सभी को अच्छे से सीख लेंगे इसे चला के। लीजिए हमारा तड़का तैयार है, अब हम गैस बंद करेंगे। तो ये जो खमण हमने काट के तैयार किया है इस पर ये डाल देंगे। और कटा हुआ धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है नायलॉन खमण, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपकी कमेंट हमें दीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने स्पॉन्जी और जालीदार बने हैं।